तो रोल ऑफ स्मॉल बिज़नेस इन रूरल इंडिया हम लोग देख रहे थे कि एक स्मॉल बिज़नेस का अगर वो रूरल एरिया में सिचुएटेड हो तो वहाँ के लोगों को या इंडिया को क्या डेवलपमेंट से उनकी स्मॉल बिज़नेस से उनकी डेवलपमेंट में क्या हेल्प होगी फर्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट तो जैसे हमें पता है कि अगर कोई भी न्यू इंडस्ट्रीज कोई भी न्यू कंपनी uh, कोई भी न्यू फैक्ट्री अगर किसी ऐसे एरिया में सिचुएट होती है जहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है वहाँ के ज़्यादातर लोग किसी न किसी वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए बट दे आर स्टिल स्किलफुल दे आर स्टिल विलिंग टू डू द वर्क तो ऐसे एरिया में ऐसे एरिया में अगर स्मॉल बिजनेस डाल दिया जाए अगर ऐसे एरिया में स्मॉल बिजनेस हो तो वहाँ के लोगों को पहली बात तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की जहाँ वो अनएम्प्लॉयड थे अब वो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ चुके होंगे दूसरी वजह ये हम क्योंकि स्पेशली रूरल एरिया की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा आ, पहले के टाइम पे ज़्यादातर ये अक्सर देखने को मिलता था तो बहुत सारे वर्कस लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं रूरल एरिया में भी लेकिन पहले क्या था लोगों के पास एग्रीकल्चर के अलावा कोई काम नहीं था रूरल एरिया की अगर हम बात करें विलेजेस में तो खेती के पास लोगों का मेन जो वो रहता था मेन वर्क वो एग्रीकल्चर होता था अच्छे अच्छे लोग एग्रीकल्चर करते थे क्रॉपिंग करते थे लेकिन अगर ये स्मॉल बिज़नेस का कॉन्सेप्ट आने के बाद कहीं ना कहीं वो वमेंस या वो मेंस जो एग्रीकल्चर नहीं करना चाहती एग्रीकल्चर से हट के कुछ करना चाहती हैं और उनके पास स्किल्स हैं उनको काम करना आता है तो स्टिचिंग है आ, या वीविंग है या बहुत सारे ऐसे वर्क हैं अगर इन सब की छोटा सा स्मॉल बिज़नेस डाल दिया जाए रूरल एरिया में तो क्या होगा कि मेन और वुमेन दोनों एक साथ इस बिज़नेस में काम कर सकेंगे एंड दे गेट एम्प्लॉयड तो इस वजह से कहीं ना कहीं स्मॉल बिज़नेस की हेल्प से हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है नेक्स्ट इज इम्प्रूव इकनॉमिक कंडीशन बाई प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मोर इनकम टू पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज़ विच इम्प्रूवज इकनॉमिक कंडीशंस इन विलेजेस जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में अभी हमने बताया कि वो लोग जो अनएम्प्लॉयड थे अब उनको स्मॉल बिजनेस से जॉइन होने के बाद भले ही वर्क कुछ कुछ भी हो चाहे वो बीविंग हो चाहे स्टिचिंग हो पेंटिंग हो प्रिंटिंग हो, प्रेंटिंग हो कोई भी वर्क हो इस वर्क में जुड़ने के बाद अब क्या हो गया है वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है काम मिल गया है वो उसमें इंगेज हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी स्टैंडर्ड वाइज थोड़ा सा इंक्रीज़ होगी पहले जो जब वो अनएम्प्लॉयड थे तो उनकी कंडीशन कुछ और रही होगी और अब वो जब एम्प्लॉयड हो चुके हैं थ्रू स्मॉल बिजनेस तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो चुका होगा तो रूरल एरियाज़ में रह जो लोग रह रहे हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद उनके इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्प्रूव होती है थ्रू दिस स्मॉल बिजनेस तो ये हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो रूरल एरियाज़ में देते हैं थर्ड इज़ प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस बहुत बारी हमने देखा है कि लोगों के अंदर एक्चुअल टैलेंट होता है क्रिएटिविटी होती है क्रिएटिव माइंड होता है और आर्ट आर्टिस्टिक वर्क करने का एक उनके अंदर बाय नेचर टैलेंट होता है तो ये ये क्या होता है कि अक्सर रूरल एरियाज़ में रह रहे लोगों को एग्रीकल्चर के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं मिलता है तो ये जो टैलेंट है आर्टिस्टिक वर्क का या जो क्रिएटिविटी है आइडियाज़ है टैलेंट है ये कहीं ना कहीं बंद हो जाता है इसको कोई एक प्रॉपर वे नहीं मिलता तो स्मॉल बिजनेस के थ्रू हम क्या करते हैं ये आर्टिस्टिक वर्क टैलेंट वर्क उसको हम फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं और वो लोग जिनके वाकई अंदर स्किल्स हैं वो स्मॉल बिज़नेस के में ज्वाइन हो के अपने आर्टिस्टिक और क्रिएटिव वर्क को और इन्हेंस कर सकते हैं ठीक है तो अब स्मॉल बिजनेस के थ्रू इनको टैलेंट को और क्रिएटिव वर्क को एक वे मिल चुका है नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट इन डायरेट वे में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ आसपास के लोगों का पर्सनस का सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है तो आसपास के एरिया का भी डेवलपमेंट होता है तो यहाँ हम लोगों की बात कर रहे हैं जब उनकी स्टैंडर्ड वाइज लिविंग वाइज उनको आ, उनका स्टैंडर्ड इनक्रीज़ होगा उनका जो है डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं उस एरिया में रह रहे उस एरिया का रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट होगा डेवलपमेंट कैसा होगा रिकन्स्ट्रक्शन मीन्स डैम्स हैं रिवर्स हैं कहीं ना कहीं इसमें भी चेंजेस आएंगे डेवलपमेंट आएगा प्लस सस्टेंड ग्रोथ सस्टेन ग्रोथ मीन्स जब हर सेक्शंस वाइज हर लोगों की पूरे एक एरिया की एक साथ जब हमारी सस्टेंड ग्रोथ हो जिसमें मेन वुमेन प्लस इन्वायरमेंट प्लस सोसाइटी सब एक साथ हमारा ग्रोथ हो तो हम उसको सस्टेंड ग्रोथ कहते हैं फिर उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटी भी हमारी कहीं ना कहीं रिमूव होगी रीजनल डिस्पैरिटी जो लोग ये सोचते थे कि एग्रीकल्चर करने के लिए सिर्फ़ हमारे मेंस हैं वो मेन घर बैठे हैं वो घर का काम करें तो स्मॉल बिजनेस से जुड़ने के बाद वहाँ काम करने के बाद वुमेन को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आ, आप अब घर तक ही सीमित नहीं हैं अब आप यहाँ हमारे जॉइन हो कर वर्क करके आप खुद भी अपने अलग पहचान बना सकती हैं तो ये जो डिस्पैरिटी है ये डिस्टिंगशनस हैं ये भी हमारे कही कहीं ना कहीं रिमूव होते हैं तो ये सब से क्या होगा हमारा एरिया डेवलप होगा रूरल एरिया हमारा डेवलप होगा इनडायरेक्टली नेक्स्ट मोबलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स मोबलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स ये कहते हैं कि बहुत सारी ऐसे रिसोस बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स बहुत सारे ऐसे इनपुट्स होते हैं रिसोर्स होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते कि ये फर्दर हमारे बिज़नेस के लिए या हमारे वर्क में यूज़ होते हैं और वो क्या करते हैं विलेज एरिया से ही या ऐसे एरिया से ही ट्रांसफ़र होते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करती हैं अगर कोई स्मॉल बिजनेस ऐसे एरिया में डाल दिया जाए तो वहाँ उस एरिया से मिलने वाले जो भी हमारे लोकल रिसोर्स हैं वो तो हमारे उसमें काम आ ही जाएंगे तो कहने का मतलब जो हमारे रिसोर्स उस लोकल एरिया में हैं वो लोकल एरिया के रिसोर्स हमारे स्मॉल बिज़नेस के लिए ही काम आएँ और जब वो लोकल रिसोर्स हमारे स्मॉल बिज़नेस में काम आएंगे तो हमारे स्मॉल बिजनेस से बन रहे हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे उसकी कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि कॉस्ट को डिक्रीज़ करने के लिए रिसोर्स और इनपुट्स रॉ मटीरियल्स की कॉस्ट को हमको कम करनी होगी जब इन सब की कॉस्ट कम होंगी तो हमारे अल्टीमेट जो हमारे प्रोडक्ट बन रहा है उसकी भी कॉस्ट कम होगी और कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हमारे लोकल रिसोर्स को कहीं भी आ, ले जाने की या ट्रांसफ़र करने की जरूरत नहीं है वो फर्दर हमारे स्मॉल बिज़नेस में ही यूज़ हो जाएंगे ठीक है तो ये सारे हमारे बेनिफिट्स होते हैं रूरल एरिया में अगर कोई स्मॉल बिजनेस सेटअप हो जाए तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं अगर किसी को ऐसे अलग से कोई पॉइंट्स मिलते हैं तो डिस्कस करेंगे हम लोग उसको भी आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज अब हम यहाँ देखेंगे कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कौन सी ऐसी स्कीम्स बनाई हैं वो उन स्मॉल बिजनेस के लिए जो रूरल एरिया बैकवर्ड एरिया या हिल एरियाज़ में सिचुएटेड हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स बनाई स्टार्टअप के लिए अलग स्कीम्स बनी हैं और और ये जो हमारे स्मॉल बिजनेस हैं इनको डेवलप करने के लिए इनको प्रमोट करने के लिए जो बैकवर्ड एरिया रूरल एरिया या हिल एरियाज़ में सिचुएटेड हैं उनको प्रमोट करने के लिए अलग स्कीम्स हमारी बनी हैं इसमें हम दो देखेंगे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड इज इंसेंटि ऑफर्ड बाई गवर्नमेंट टू एस एस आई यूनिट्स इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टॉपिक हमारा थोड़ा सा लेंदी है पॉइंट्स हमारे ज़्यादा हैं ये देख सकते हैं आप टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है अभी तक हम यहीं पर हम इसको क्लोज करते हैं कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछिए कॉपीज हमने आप लोगों की चेक की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिटन द गूगल आंसर्स आई नो वेरी वेल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आपको अपने खुद के व्यूज़ देने थे लेकिन उसको भी आपने गूगल से कॉपी किया है वो साफ ज़ाहिर हो रहा है और एक ही ने नहीं, नहीं पूरे क्लास ने शायद दो या तीन स्टूडेंट्स ने छोड़ के बाकी पूरी क्लास ने वही चीज़ लिखा है। एक कॉमन आंसर कभी आप लोग गूगल से आंसर दे रहे हैं आई डोंट नो वाई चैप्टर समझाया गया एक्सप्लेनेशन हुआ रिविजन भी हुआ लेकिन उसके बावजूद भी चलिए देखते हैं मार्क्स आप लोगों को पता चलेंगे जल्दी